वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनअकैडमी चैनल। टुडे आज जो हमारी क्लास है वो है करंट अफेयर के रिगार्डिंग, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करूंगा। हर एक बच्चा ये जो करंट अफेयर जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है, इनमें पार्टिसिपेट करिएगा ज्यादा से ज्यादा बच्चे, हर एक बच्चा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए, हर एक बच्चा, चलिए क्विक एवरीवन। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए, क्विक एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एवरीवन। जितने बच्चे भी लाइव क्लास में आ रहे हैं, चलिए मोस्ट वेलकम, वेलकम टू एवरीवन। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम अपना जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन है आपका जो 51 क्वेश्चन है, ठीक है, वो है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द थीम ऑफ द 10th वर्ल्ड निमोनिया डे 2019। इसकी थीम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है, दिमाग में रखिएगा, हेल्थी लंग फॉर ऑल। क्या है प्यारे बच्चों, जो आपका वर्ल्ड निमोनिया डे होता है, ठीक है, ये कब होता है आपको ये पता होना चाहिए, ये 12th नवंबर को होता है, ठीक है, कब होता है, 12th नवंबर को मोस्टली आपका वर्ल्ड निमोनिया डे होता है, जिसमें एक तरीके से निमोनिया के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है वो दी जाती है, अगर हम बात करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो डे है वर्ल्ड निमोनिया डे, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 2009 में इस डे को एस्टेब्लिश किया गया था, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। और एक तरीके से इस साल 2019 में इस वर्ल्ड निमोनिया डे की कितनी एनिवर्सरी थी, 10th एनिवर्सरी थी। और प्यारे बच्चों इसकी जो थीम थी वो थीम थी हेल्थ लंग्स फॉर ऑल। ओके चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल विल कम, ये हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 52 का जो राइट आंसर, अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है बी, भवनागर गुजरात। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, 52 का राइट आंसर है आपका बी, ठीक है, भवनागर गुजरात। कौन सा पोर्ट इंडिया का जो वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल, एक तरीके से अगर हम बात करें कौन सा पोर्ट इंडिया का जो वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल बनेगा, अगर लाया जाएगा, वो है भवनागर गुजरात में, दिमाग में रखिएगा। और गुजरात गवर्नमेंट ने इस चीज का अप्रूवल दे दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये एक ज्वाइंट वेंचर है, अगर हम बात करें इसका, ये ज्वाइंट वेंचर है जो के बेस्ड, जो प्यारे बच्चों एक फोरसाइट ग्रुप है और मुंबई बेस्ड एक पद्मव महाफाटियल ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट करेंगे वो 1900 करोड़ रुपीस, इतने वो इन्वेस्ट करेंगे, सेटअप करेंगे एक सीएनजी टर्मिनल एट भवनागर पोर्ट पे जो गुजरात में है, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा, और ये जो भवनागर पोर्ट है ये गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। इसमें कुछ हैंडल किए जाते हैं 3 मैट्रिक टन कार्गो, जो 3 मैट्रिक टन कार्गो इसमें हैंडल किए जाते हैं हर साल, अगर हम बात करें, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, वेयर वाज द ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन नवंबर 2019। प्यारे बच्चों ब्रिक्स ट्रेड मीटिंग कहां पे हेल्ड हुई थी नवंबर 2019 में, तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, इसका राइट आंसर है ब्रासिलिया, ब्राजील। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों वो है आपका ब्राजील में हुई थी ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग, जो नवंबर में हुई थी, हर एक बच्चा दिमाग में रखेगा। ब्रिक क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इनकी जो एक ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी वो कहां पे हुई थी, वो हुई थी प्यारे बच्चों ब्राजीलिया, ब्राजील में, हर एक बच्चा दिमाग में रखेगा। और जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो एक तरीके से इंडिया के द्वारा, ठीक है, डेलीगेट जो थे जिन्होंने लीड किया था इस ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग में, तो आपको पता होना चाहिए। और
जो हमारे एक तरीके से बाद में जो पावर मिनिस्टर थे आर के सिंह, उन्होंने भी इस मीटिंग को एक तरीके से अटेंड किया था। और इस मीटिंग में जो मेन फोकस किया गया था, अगर हम बात करते हैं इस ब्रिक ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग में मेन फोकस किया गया था ट्रेड फैसिलिटेशंस पे, किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है उनको बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से जो कस्टम्स है उनके कॉपरेशंस को बढ़ाया जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में बात हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे हो। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल फॉर सेटिंग अप फॉर मेडिकल पार्क विद व्यू टू स्पॉट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, फाइंड आउट द स्टेट वेयर द पार्क हैज नॉट प्रपोज टू कम। क्या इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर जो है आपका वो है कर्नाटका। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है प्यारे बच्चों कर्नाटका। हर एक बच्चा दिमाग में रखेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक तरीके से अप्रूवल दे दिया है कि सेटअप किए जाएंगे 4 मेडिकल डिवाइस पार्क। ठीक है, जिसमें एक तरीके से जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करते हुए ये 4 मेडिकल डिवाइस पार्क को एक तरीके से सेटअप किया जाएगा, जिसमें वर्ल्ड क्लास जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और एक सही अफोर्डेबल प्राइस पे ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर हम सिंपल बात करें। ठीक है, तो ये जो 4 पार्क हैं ये कहां कहां पे सेटअप होंगे? ये होंगे प्यारे बच्चों, एक तो आंध्र प्रदेश में, एक होगा तेलंगाना में, और एक होगा प्यारे बच्चों केरला में, और एक होगा तमिलनाडु में। अगर हम बात करें इन 4 स्टेट में ये मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो प्यारे बच्चों सेटअप होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर यहां पे पूछा गया था ये पार्क कहां पे नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो कर्नाटका। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, द न्यूली डिस्कवर्ड स्पाइडर स्पीसीज नेम आफ्टर विच क्रिकेटर। द न्यूली डिस्कवर्ड स्पाइडर स्पीसीज नेम्ड आफ्टर विच क्रिकेटर, ये आपका क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन की अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं, इसका जो आपका राइट आंसर है 55 का, ठीक है, 55 का आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों सी। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों सी। ठीक है, 55 का प्यारे बच्चों, जो ध्रुव प्रजापति अगर हम बात करें, जो डिस्कवर किए गए हैं 2 स्पाइडर के स्पाइसेस जो फाउंड हुए थे, कहां पे? केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात में। यह बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो मिस्टर प्रजापति जो एक रिसर्च स्कॉलर हैं, ठीक है, जो ध्रुव प्रजापति हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उन्होंने डिस्कवर किए थे 2 नए एक स्पाइडर के स्पीसीज। कहां पे फाउंड किए थे? इन्हें केरला, गुजरात और तमिलनाडु में फाइंड किया गया था। और मिस्टर प्रजापति जो एक रिसर्च स्कॉलर है, कहां से? गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन से वो एक रिसर्च स्कॉलर है। एक जो 2 स्पाइडर स्पीसीज इन्होंने फाउंड की थी, एक स्पाइडर स्पीसीज का नाम पड़ा था सचिन तेंदुलकर के बाद, जिसका नाम था मरेंगो सचिन तेंदुलकर, ये एक नाम रखा गया था, दिमाग में रखिएगा। और दूसरा नाम जो पड़ा था, अगर हम बात करें, दूसरा नाम है इंडो मरेंगो चावा रफ्तार, इस तरीके से दूसरा नाम है। ठीक है, फर्स्ट नाम 2 स्पाइडर स्पाइसेस को फाउंड किया था, फर्स्ट नाम ये है, सेकंड ये है। और ये जो सेकंड नाम पड़ा था प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, जो केरला स्टेट में जिन्होंने एक तरीके से अगर हम बोले एजुकेशन को अवेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, जिनका नाम है सेंट कोरियाकोसे इलाइस चाबरा। ठीक है, तो सेकंड स्पाइडर स्पीसीज का नाम इनके बाद पड़ा है और फर्स्ट का सचिन तेंदुलकर के बाद, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए फिफ्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विस 2019 विल बी हेल्ड फ्रॉम 26 to 28 नवंबर इन विच सिटी। ये आपका क्वेश्चन है 56 की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों। ठीक है, 56 की अगर मैं बात करूं, तो 56 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर है आपका वो है, दिमाग में रखिएगा, बी, बेंगलुरु गुजरात। इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों बेंगलुरु गुजरात। ठीक है, दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा, ये बेंगलुरु आपका कर्नाटका में ये फिफ्थ एडिशन ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेस का हुआ था, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
ऑन नवंबर 11 नवंबर 2019 को जो एक तरीके से शोकेस किया गया था अचीवमेंट फॉर इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज ऑर्गेनाइज्ड डेफ कनेक्ट इन विच सिटी। प्यारे बच्चों ठीक है, इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो है न्यू दिल्ली। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने प्यारे बच्चों ऑर्गेनाइजिंग किया था एक तरीके से डेफ कनेक्ट, उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग किया था डेफ कनेक्ट को न्यू दिल्ली में, जिसमें एक तरीके से जो शोकेस किए गए थे जो भी इन एक तरीके से अकम्प्लिशमेंट थी ठीक है, जो इनोवेशन थे डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव में, उनको एक तरीके से शोकेस किया गया था 11 नवंबर को। दिमाग में रखिएगा, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, विच कंट्री विल बी फोकस कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंट्री एक तरीके से फोकस कंट्री थी 50th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, कौन सी कंट्री एक तरीके से फोकस कंट्री थी? तो प्यारे बच्चों जो 50th एडिशन हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का ठीक है, जिसमें एक तरीके से जो शोकेस किए गए थे 8 मूवी जो रशिया से थी, और ठीक है जिसमें शोकेस किया गया था 8 मूवीज को जो रशिया से थी, और रशिया ही इस साल मोस्ट फोकस कंट्री थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। यह बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा ठीक है। और रशिया 8 मूवी इस फेस्टिवल में रशिया की शोकेस की गई थी, जिसमें से एक मूवी जो थी रशिया की, जिसका नाम है एंड्रिए टारकोस्काई, इस तरीके से कुछ नाम है ठीक है, वो एक तरीके से वन ऑफ द मूवी फीचर्ड मूवी रही थी ठीक है। यह बात दिमाग में रखिएगा ठीक है हर एक बच्चा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर हम बात करें वो है हमारा 40th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2019 हेल्ड इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये 40th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी? तो प्यारे बच्चों 59 का जो आपका राइट आंसर है वो है दोहा कतार। दोहा जो है कतार की क्या है? कैपिटल है, इतनी बात दिमाग में रखेगा। और जो 40th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी वो हुई थी प्यारे बच्चों दोहा कतार में, ये बात दिमाग में रखेगा ठीक है। और ये कब हुई थी? 5 से लेके 13 नवंबर तक ये शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, हर एक बच्चे को अच्छे से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। सुंदर सिंह गुर्जर हैज वॉन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन दुबई इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, यहां पे पूछा गया ये कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है सी जेबलिन थ्रो। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सी जेबलिन थ्रो, जो इंडिया के जेबलिन थ्रोअर है सुंदर सिंह गुर्जर ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता जो मेन F46 जो थ्रो जेवलिन थ्रो इवेंट हुआ था ठीक है, ये एक मेन F46 जेवलिन थ्रो इवेंट हुआ था एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप दुबई में हुई थी, यहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और ये रिलेट करते हैं जेवलिन थ्रो के साथ, आपको पता होना चाहिए ठीक है हर एक बच्चे को। और प्यारे बच्चों उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, व्हाट इज द डेडलाइन ऑफ द इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 3, इसरो ने क्या डेडलाइन रखी है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की अगर हम बात करें, वो है प्यारे बच्चों नवंबर 2020। क्या रखी है? नवंबर 2020 ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इसरो ने क्या डेडलाइन रखी है लॉन्च करने की चंद्रयान को 3 को अगर हम बात करें ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स इंडिया का रैंक क्या है? 178 कंट्री में से इंडिया का क्या रैंक है, आपसे ये पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इंडिया का जो रैंक है वो है 78th ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग ठीक है, एक बात दिमाग में रखिएगा, जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें जो ऐसी कंट्री जहां पे हाईएस्ट रिस्क है, ब्राइबरी क्या होता है? घूस देना। ब्राइबरी क्या होता है? घूस देना एक तरीके से। तो जो ऐसी कंट्री जिस यहां पे हाईएस्ट रिस्क है इन टर्म ऑफ
ब्राइबरी थ्रेट इन साउथ एशिया में वो है बांग्लादेश। कौन सी है वो है बांग्लादेश। अगर मैं बात करूं, यह बात दिमाग में रखिएगा, इंडिया का रैंक कितना है, 78th है, कितने में से, आउट ऑफ 178 कंट्री में से, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर मैं साउथ एशिया की बात करता हूं, उसमें पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये ऐसी एक कंट्री है जहां पे जो ब्राइबरी रिस्क है वो एक तरीके से, प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा, काफी हाई है अगर हम बात करते हैं, ठीक है। और ऐसी कंट्रीज जहां पे ये ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, जो ब्राइबरी रिस्क है वो बहुत कम है, वो है जो वर्ल्ड में है, न्यूजीलैंड, वो है न्यूजीलैंड, उसके बाद है प्यारे बच्चों नॉर्वे, देन डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पे जो एक तरीके से ब्राइबरी रिस्क है काफी कम है, और अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं हायर रिस्क, ये तो हमारा हो गया हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज है या इंडिया का क्या रैंक है, और अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं जिनका सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है, हायर रिस्क है, वो है जैसे वेनेजुएला, उसके बाद येमन, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान, ठीक है, सोमालिया, ये हायर रिस्क पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद विच इंस्टीट्यूट CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी इमटेक चंडीगढ़ साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट कोलैबोरेटिव रिसर्च स्पेशली इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। ये आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है बी, IIT बॉम्बे, ठीक है। प्यारे बच्चों जो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, चंडीगढ़ है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है IIT बॉम्बे के साथ, जिसमें जो स्पेशली हेल्थ केयर के एरिया में जो इन दोनों की कोलैबोरेटिव रिसर्च होगी उसे प्रमोट करने के लिए ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंडिया हैज प्लेज टू कंट्रीब्यूट टू वेरियस ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट अक्रॉस द UN एजेंसीज फॉर द ईयर 2020 के लिए। ये आपका 64 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 64 का जो आपका आंसर है वो है $13.5 million। क्या है? $13.5 million प्यारे बच्चों, जो इंडिया है उन्होंने प्लेज किया है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे वेरियस एक्टिविटीज में, वेरियस ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ डेवलपमेंट की जो अक्रॉस द UN एजेंसीज होंगी फॉर द ईयर 2020 के लिए, वो कितनी है? $13.5 million। इतनी बात दिमाग में रखिएगा प्यारे बच्चों, जो काउंसलर हैं एट इंडिया परमानेंट मिशन टू द UN में, जो काउंसलर हैं UN में, एज अगर हम बात करें इंडिया परमानेंट मिशन टू द UN में, जिनका नाम है अंजनी कुमार, उन्होंने अनाउंस किया है इस प्लेज को, अगर हम बात करते हैं, दिमाग में रखिएगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। और इंडिया जो है प्यारे बच्चों कंट्रीब्यूट करेगी $5 million, इंडिया जो है वो ऑल्सो कंट्रीब्यूट करेगी $5 million UN रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को भी। ये बात दिमाग में रखिएगा, हर एक बच्चा पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर पैलेस्टाइन पता होना चाहिए, ठीक है। और $4.5 million इंडिया एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी फॉर UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए, Tab Expo 2019 was held in which city where the Tobacco Board of India awarded the Golden Leaf Award। जल्दी से बताएगा, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं ताकि MCQ हो जाएं ज्यादा। प्यारे बच्चों Tab Expo 2019 held हुआ था कहां पे? Amsterdam, नीदरलैंड में। ये बात दिमाग में रखेगा हर एक बच्चा। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया ने को अवार्डेड किया गया था, जो टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्हें अवार्डेड किया गया था गोल्डन लीफ अवार्ड के साथ, जो कहां पे अवार्डेड किया गया था? जो टैब एक्सपो 2019 हुआ था नीदरलैंड में। इतनी बात दिमाग में रखिएगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ये अवार्ड जो है गोल्डन लीफ अवार्ड की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जिनके एक तरीके से पब्लिक सर्विस के रिगार्डिंग
एक तरीके से ये जिस कैटेगरी में इन्हें जो अवार्ड मिला था अगर मैं बात करूं तो वो मिला था पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव कैटेगरी में, जहां पे इन्होंने काफी सारे अपने एफर्ट्स बताए थे किस तरीके से जो टोबैको है उसे अगर हम बात करें, टोबैको के रिगार्डिंग अगर हम बात करें जो इनिशिएटिव उठाए थे उसके लिए ये अवार्ड दिया गया था। और प्यारे बच्चों ये जो अवार्ड है ये रिसीव किया गया था जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इस टोबैको बोर्ड के, इस टोबैको बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है के सुनीता, उन्होंने प्यारे बच्चों इस अवार्ड को रिसीव किया था। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए देखिए टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का प्यारे बच्चों जो हेडक्वार्टर है वो है गंतूर आंध्र प्रदेश में, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर है गंतूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के जो प्यारे बच्चों चेयरमैन है उनका नाम वैसे मैं बता रहा हूं नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, वो है प्यारे बच्चों रघु नंदा, इस तरीके से नाम है उनका रघु नंदा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए हर एक बच्चों को। ठीक है, और यहां पे उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाया था अगर हम बात करें वो उठाया था फ्लू कर्ड विजिलेंस पे, फ्लू कर्ड विजिलेंस पे ये इनिशिएटिव उठाया था जिसके लिए जो गोल्डन लीफ अवार्ड दिया गया था। उसके बाद प्यारे बच्चों नेम द मूवी विच हैज बॉर्न बेस्ट स्क्रीन प्ले बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द एशियन फिल्म फेस्टिवल इन बार्सिलोना स्पेन, वो है प्यारे बच्चों आपकी भोंसले, भोंसले दिमाग में रखिएगा। मनोज बाजपेयी, मनोज बाजपेयी आपको एक्टर पता ही होंगे, उनके स्टार्टर और एक उनकी एक तरीके से काफी अक्लेम्ड मूवी भोंसले जिसकी हम बात करें उसे मिला बेस्ट स्क्रीन प्ले बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल जो बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, ये बात हर एक बच्चा दिमाग में रखेगा। और इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था, इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था देवा आशीष के द्वारा, देवा आशीष मखलीजा के द्वारा अगर हम बात करें। ठीक है, देवाशीष मखलीजा के द्वारा इस मूवी को प्यारे बच्चों क्या किया गया था, डायरेक्ट किया गया था, पता होना चाहिए आप सभी बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों नेक्स्ट मूवी जो मूवी नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज ए फीफा चीफ ऑफ ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट बाय द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी आर्सने वेंगर, क्या है आर्सने वेंगर इसका राइट आंसर है, दिमाग में रखिएगा। ये एक वेटरन काफी एक्सपीरियंस कोच हैं आर्सने वेंगर जिनका नाम आया है फीफा चीफ ऑफ ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए, ये आपको पता होना चाहिए हर एक बच्चे को, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे अपॉइंटेड एज द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, जो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे हैं वो अपॉइंटेड हुए हैं कौन से चीफ जस्टिस, 44th, 45th, 46th, 47th, पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये अपॉइंटेड हुए हैं 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कब तक, टिल 23rd अप्रैल 2021 तक ये अपॉइंटेड हुए हैं। ठीक है, और इन्हें अपॉइंटेड किन के द्वारा किया गया है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, यह बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा, पता होना चाहिए। ठीक है, और पहले कौन थे, 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, रंजन गोगोई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। और ये अरविंद जो बोबडे हैं कहां से हैं, ये नागपुर से हैं, नागपुर में जो बॉर्न हुए हैं, इतनी बात दिमाग में रखिएगा, पता होना चाहिए। और इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से ही अपनी लॉ की डिग्री की थी। नेक्स्ट पेयर बच्चों नए प्रेसिडेंट कौन बने, श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट कौन बने, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है वो है ए गोताबाया राजापक्सा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है जो न्यू प्रेसिडेंट बने श्रीलंका के, आपके सामने नाम है, दिमाग में रखिएगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। और ये प्रेसिडेंट बने हैं 5 साल का इनका टर्म रहेगा एज ए प्रेसिडेंट, दिमाग में रखिएगा, पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जो एक तरीके से पहले अगर हम बात करें 2005 से लेके 2015 तक जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हम बात करें महिंदा राजापक्सा, उनके ये जंगर, उनके क्या हैं, ये जंगर ब्रदर हैं, उनके ये जंगर ब्रदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों हु वाज बॉर्न एज द 30th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, कौन बने झारखंड हाई कोर्ट के 30th चीफ जस्टिस।
प्यारे बच्चों, उनका नाम है दिमाग में रखिए, जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन। जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन दिमाग में रखिएगा। और प्यारे बच्चों, जो झारखंड के गवर्नर हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने एक तरीके से इन जस्टिस को औथ दिलवाई, ठीक है, शपथ जिसे हम कहते हैं वो दिलवाई। कहां पे? राजभवन इन रांची में। राजभवन इन रांची में, जो झारखंड की कैपिटल है रांची, ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। पहले जो ये थे जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, ये पहले जज थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, अब ये बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट के। तो आपको पता होना चाहिए, दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हु है वाज बॉर्न एज द न्यू चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा। कौन बने नए चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा? प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है आपका जस्टिस अकील अब्दुल कुरैशी, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो त्रिपुरा के गवर्नर हैं जिनका नाम है रमेश बाइस, उन्होंने एक तरीके से ये जो जस्टिस हैं इनको शपथ दिलवाई, दिमाग में रखिएगा, पता होना चाहिए। कहां पे? अगरतला में। कहां पे? जो भवन है वहां पे, राजभवन है अगरतला में, वहां पे इनको शपथ दिलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेंबरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। ये आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है थर्ड संडे इन नवंबर। क्या है? थर्ड संडे इन नवंबर। ये बात दिमाग में रखिएगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, इसकी जो थीम थी, इसकी इस डे की जो थीम थी, वो थीम थी प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, ठीक है, ये इसकी थीम थी प्यारे बच्चों, वो थी ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी सेफर व्हीकल। ये एक तरीके से इसकी थीम थी, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इन विच स्टेट नॉर्थ इंडिया फर्स्ट शुगर हैज इनोग्रेटेड विच प्रोड्यूस इथेनॉल डायरेक्ट फ्रॉम शुगर केन। ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, अगर हम बात करें साइंस एंड टेक का। प्यारे बच्चों, ये है इसका राइट आंसर जो है वो है उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इनोग्रेट किया नॉर्थ इंडिया फर्स्ट शुगर मिल, नॉर्थ इंडिया की पहली शुगर मिल जिसमें प्रोड्यूस किया जाएगा डायरेक्ट इथेनॉल को शुगर केन से। नॉर्थ इंडिया की पहली शुगर मिल को इनोग्रेट किया गया यूपी में, यहां पे शुगर केन। शुगर केन क्या होता है? गन्ना, सुना होगा आपने, जो गन्ना होता है, ठीक है, शुगर केन, गन्ने से शुगर केन से डायरेक्ट इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाएगा। वैसे एक शुगर मिल यूपी में इनोग्रेट की गई इनके द्वारा, जो वहां के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ठीक है, जिसमें होगा क्या, इथेनॉल को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, जो शुगर होगी उसकी फर्मेंटेशन की जाएगी। क्या की जाएगी? उस शुगर की फर्मेंटेशन की जाएगी जीस्ट के द्वारा, ये बात दिमाग में रखिएगा, या किसी पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के द्वारा, ठीक है, फिर उसे क्यूमली कंज्यूम किया जाएगा जो ड्रग्स वगैरह होते हैं वहां पे, ठीक है। इसको मोस्टली यूज किया जाएगा जो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए मोस्टली यूज किया जाएगा, मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा, ऑन नवंबर 18, 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू एक्सटेंड वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी टू नेशन ऑफ विच कंट्री। ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इतनी बात दिमाग में रखिएगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। और इसको जो बढ़ाया गया है, वो बढ़ाया गया है पीरियड अप टू 60 डेज के लिए, ठीक है, पीरियड अप टू 60 डेज के लिए विद इन डबल एंट्री ऑफ बिजनेस हिस्ट्री के लिए, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है आपका, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन मेन सिंगल टाइटल एट इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड एट बैटम इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर है वो है प्यारे बच्चों टी हरमीत देसाई। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है हरमीत देसाई, जो इंडिया के क्या है, पेडलर है प्यारे बच्चों, जो एक इंडियन
पेडलर हैं, अगर हम बात करें इंडियन एक पेडलर हैं हरमीत देसाई, उन्होंने जीता मेन सिंगल टाइटल एट इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, दिमाग में रखिएगा। और ये एक तरीके से हरमीत का पहला टाइटल था जो बाहर फॉरेन सॉइल में था, अगर हम बात करें, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन, एशियन यूथ बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप हुई कौन सी कंट्री में हुई, जहां पे इंडिया की जो वुमेन ने क्लिंच किए 5 गोल्ड और मैन ने बैक किए 2 सिल्वर मेडल, आपसे ये पूछा गया। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी मंगोलिया। क्या है इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों? इंडिया की वुमेन ने 5 गोल्ड, मैन ने 2 सिल्वर लिए एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो वुमेन में हुई। जो 5 वुमेन हैं उनके नाम बिनका, नावरम, सनमचा, इस तरीके से नाम है, पता होना चाहिए आप सभी बच्चों को, ठीक है। और इंडिया को जो एक तरीके से मेडल जो आए थे वो 12 मेडल आए थे, पता होना चाहिए आपको हर एक बच्चे को, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन हैज लॉन्च ए सांस कैंपेन इन विच स्टेट। प्यारे बच्चों ये इसका जो आंसर है वो है गुजरात। कहां पे इस कैंपेन को लॉन्च किया गया? इस कैंपेन को लॉन्च किया गया गुजरात में। और सांस की जो फुल फॉर्म है वो है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया सक्सेसफुली। ये प्यारे बच्चों एक तरीके से इसकी क्या है, फुल फॉर्म है सांस की, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इस कैंपेन का प्यारे बच्चों जो मेन मकसद था वो ये था कि जो निमोनिया की वजह से चाइल्ड के एक तरीके से अगर हम बोलें मोर्टेलिटी, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो कम हो रही है निमोनिया की वजह से, इस कैंपेन को लॉन्च करने का ये मेन मकसद था कि ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी निमोनिया की वजह से कम हो रही है वो क्या की जाए, वो इस कैंपेन के द्वारा उस चीज को रिड्यूस किया जाए, ये बात दिमाग में रखिएगा। और इस कैंपेन को जो डॉक्टर हर्षवर्धन है इन्होंने लॉन्च किया था जो 6th नेशनल समिट ऑन गुड रिपब्लिक प्रैक्टिस एंड इनोवेशन, जो एक तरीके से 6th नेशनल समिट हुई थी ऑन गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिस एंड इनोवेशन की गुजरात में, वहां पे इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन टीवीसी इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अगेन, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों बी पाकिस्तान। पाकिस्तान पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिसने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रेकमेंड करने पे एक तरीके से टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है, एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये बात दिमाग में रखेगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इन हूज मेमोरी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए फंड इन बिस्टिंग चेयर। इसका जो राइट आंसर है वो है प्यारे बच्चों आपका DTN शेनशान। क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइडेड किया है कि वो एस्टेब्लिश करेंगे और फंड करेंगे बिस्टिंग चेयर ऑन इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर इलेक्ट्रल स्टडी इन मेमोरी ऑफ TN शेनशान, जो एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं अगर हम बात करें फॉर्मर, ठीक है, तो पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहां पे डिस्कस किए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और प्यारे बच्चों अनअकैडमी प्लस में जो भी लेक्चर चल रहे हैं उन्हें लगाइएगा। और आज 10 बजे स्पेशल क्लास होगी मेरी, ठीक है, आप देख सकते हैं साहिल राणा के नाम से आज क्लास होगी एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट साइनोनिम की, उसको भी आप लगा सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है। ये क्लास बिल्कुल फ्री होगी अनअकैडमी प्लस में 10 बजे। चलिए प्यारे बच्चों, और जो बच्चे अनअकैडमी प्लस में आना चाहते हैं करंट अफेयर पूरा चार्ट फॉर्म में कराऊंगा, ये वाला कोड यूज कर लेना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा स्टडी रेगुलर लाइव, ठीक है। इस कोड को सभी बच्चे यूज कर लेना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यूपीएससी सीएपीएफ की मेरी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, ठीक है, तो इस कोड को लगा लेना, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेना और सीएपीएफ को अच्छे से पढ़िएगा और क्रैक कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों ओके बाय बाय, टेक केयर, मन लगा के पढ़िएगा, जय हिंद।